हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोच रहे हैं कि यार हमें टॉप IHMs में जाना है, हमें क्या रैंक चाहिए होगी कि हमें कौन से कॉलेज में, हमारे टॉप जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिल पाएगा, टॉप IHM में एडमिशन मिल पाएगा। तो आज का वीडियो में आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा ताकि आपको एटलीस्ट पता लग सके कि अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे क्या आपको वो कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो अगर अभी कुछ लोग सोचोगे कि यार मार्क्स कहाँ गए, इसमें रैंक ही रैंक देख रहे हैं, मार्क्स नहीं देख रहे हैं, तो भाई मार्क्स और रैंक का अगर आपको फर्क देखना है वो लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हो, आई बटन में भी आ जाएगा, लास्ट वीडियो में मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या फर्क होता है मार्क्स और रैंक में। तो यार जो फिलहाल ये वीडियो है, ये फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सोचते हैं कि हमें टॉप IHMs में जाना है और कैसे हम वहाँ तक जा सकते हैं, क्या रैंक चाहिए होगी एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये बेसिकली प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन बनी है लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से। तो आप ये डाटा देख सकते हैं और हर साल का डाटा लगभग सेम ही होता है, बिकॉज क्या होता है कि हर साल कुछ IHMs हैं जो IHMs जिनकी टॉप रैंकिंग वाले IHMs हैं उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। वो हर साल सोचते हैं कि हमें इतनी रैंक के अंदर अंदर वाले स्टूडेंट्स को लेना है और अपनी सीट्स भी फुल करनी है। तो वो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अगर लेट से मैं बात करूं IHM दिल्ली पूसा के बारे में, तो उनका एक सेट क्राइटेरिया है कि उनको नंबर वन रैंक से लेकर लगभग 300-400 मैक्सिमम तक जाना है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उतने में जाना है और उतने में ही अपने जनरल कैटेगरी की सीट्स फुल करनी है। उसी तरीके से बाकी कॉलेजेस भी अपनी रैंकिंग के हिसाब से ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। अगर आपको जानना है टॉप 10 IHMs कौन से हैं तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे चलते हैं, आपको अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ कि टॉप 5 IHMs में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको हर कैटेगरी के हिसाब से क्या रैंक चाहिए होगी। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि काउंसलिंग के टाइम पे 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे स्टूडेंट्स को ही लेते हैं जो कि जिनकी रैंक कम कम है अपने कॉलेज के हिसाब से, और सेकंड राउंड में वो थोड़ा अपना होराइजन बढ़ाते हैं, और थर्ड रैंक में वो मैक्सिमम पॉसिबल अपनी सीट भरने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपका जो ये डेटा है ये थर्ड राउंड के हिसाब से, ताकि आपको पता लग सके एंड रिजल्ट में कितनी रैंकिंग में कौन सा कॉलेज आपको ले सकता है। कि जो डाटा मैं अभी शेयर करने वाला हूं उसमें से सिर्फ मैं क्लोज रैंक ही, मतलब क्लोजिंग रैंक ही डिस्कस करूंगा। रीजन ये है कि ओपनिंग रैंक आप ऑलरेडी देख सकते हो उसमें, और ये थर्ड राउंड की ओपनिंग रैंक है, मतलब उससे पहले भी बहुत 2 राउंड हुए हैं, बट क्लोजिंग रैंक इसलिए क्योंकि ये थर्ड राउंड है, ये लास्ट राउंड था, उसमें जो क्लोजिंग रैंक थी दैट वॉज द लास्ट रैंक जो किसी को भी अलॉट हुई है डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी किसी भी कॉलेज के लिए। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ क्लोजिंग रैंक ही डिस्कस करूंगा टॉप 5 IHMs के लिए, तो वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम IHM पूसा से, बिकॉज IHM दिल्ली पूसा इज द वन जो कि सबसे पहले IHM है, सबसे टॉप IHM है। उसकी अगर मैं ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक बताऊं तो 431 लास्ट ईयर जो थी, 431 वॉज द रैंक जिससे ऊपर उन्होंने बच्चे लेना बंद कर दिए थे और उनकी सीट फुल हो चुकी थी। वहीं PWD ओपन कैटेगरी में 8138 वाज द क्लोजिंग रैंक। ओपनिंग रैंक भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी है बीच में पॉज करके। EWS कैटेगरी के लिए 1793 वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर IHM पूसा, और OBC कैटेगरी के लिए 2905 वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर IHM पूसा। SC कैटेगरी के लिए 5494 वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर IHM पूसा, और ST कैटेगरी के लिए 9978 क्लोजिंग रैंक थी। अगर मैं सेकंड बात करूं IHM मुंबई की जो कि सेकंड नंबर पे आता है, उसमें क्लोजिंग रैंक रही 925 फॉर ओपन कैटेगरी। ओपन PWD कैटेगरी में आप देख सकते हैं 11381 रही क्लोजिंग रैंक, मतलब 11381 वाला आखिरी स्टूडेंट था ओपन PWD में जिसने IHM मुंबई में एडमिशन लिया। उसके बाद EWS कैटेगरी में आप देख सकते हो 6291 आखिरी, ये रैंक वाला स्टूडेंट आखिरी स्टूडेंट था जो EWS कैटेगरी से IHM मुंबई में एडमिशन ले पाया। OBC कैटेगरी में 5864 रैंक वाला स्टूडेंट एडमिशन ले पाया। SC कैटेगरी में 7575 रैंक वाला स्टूडेंट एडमिशन ले पाया IHM मुंबई में,
और एसटी कैटेगरी में 23,939 जिसकी रैंक आई थी वो एडमिशन ले पाया एसटी कैटेगरी में। आईएचएम बेंगलुरु पे चलते हैं थर्ड नंबर पे, जिसमें ओपन रैंक में आप देख सकते हो 1505 वाज़ द लास्ट रैंक, ओपन पीडब्ल्यूडी 19184, ईडब्ल्यूएस में 13,595, ओबीसी में 7,406, एससी में 11,161 वाज़ द क्लोजिंग रैंक, एसटी में 24,785 क्लोजिंग रैंक थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आईएचएम कोलकाता में, जिसमें ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक थी 2,134, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 7,483, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,740, ओबीसी कैटेगरी में 12,278, एससी कैटेगरी में आईएचएम कोलकाता में 11,047 वाज़ द लास्ट रैंक जिसने एडमिशन लिया, और 24,611 फॉर एसटी कैटेगरी। अब बात करते हैं आईएचएम चंडीगढ़ की, जिसमें क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी के लिए रही 2,549, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 14,570, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहा 10,132, ओबीसी में 13,191, एससी कैटेगरी में लास्ट रैंक वाला स्टूडेंट था 15,601 आईएचएम चंडीगढ़ के लिए, और एसटी कैटेगरी में 22,093 रैंक वाला स्टूडेंट आईएचएम चंडीगढ़ में एडमिशन ले पाया। तो आई होप आप इस डाटा से समझ पाए होंगे कि कितनी रैंक वाला स्टूडेंट IHMs, जो कि टॉप IHMs में अपनी कैटेगरी वाइज इतनी रैंक वाला स्टूडेंट एडमिशन ले पाया, और ऑलमोस्ट हर ईयर ही ऐसा ही होता है। ये थे टॉप 5 IHMs जिनमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको इन रैंक्स में, ऑलमोस्ट इतनी रैंक्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर आपसे आगे वाले स्टूडेंट्स ने आके वहां पे सीट भर दी तो फिर ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा, बट इतने के ही आसपास हर साल एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि काफी बच्चे बीच के कुछ ड्रॉप कर जाते हैं। और इस बार एक फैक्टर और है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है, जो कि है COVID-19। यानी कि ये कोविड सिचुएशन की वजह से लोग अब अपने घर से ज्यादा दूर एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, वो चाहेंगे कि अपने घर के पास ही एडमिशन ले ले। काफी लोग ऐसे होंगे तो आपको काफी सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद दिल्ली पूसा में इस बार 1,000 रैंक वाला स्टूडेंट भी एडमिशन ले ले, और आईएचएम मुंबई और इनमें शायद इससे ज़्यादा रैंक वाला या इससे थोड़े और ज़्यादा रैंक वाला, 2,000 तक की रैंक वाला एडमिशन ले ले। बिकॉज हर कोई अपने एरिया में देखने की कोशिश करेगा, अपने घर से पास ही देखने की कोशिश करेगा, और उसमें हो सके क्या पता लोग ज़्यादा दूर ना जाने के चक्कर से एडमिशन अपने घर के पास वाले आईएचएम में ही ले लें। तो अगर आपको पूरा डाटा देखना है क्या आईएचएम्स बाकी आईएचएम्स में कितनी रैंक थी, तो उसके लिए मैं एक लिंक नीचे दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि हर एक आईएचएम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट आईएचएम है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईएचएम है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं आईएचएम के, उन सब में किन किन रैंकों पे सीट्स भरी गई हैं, वो सारा डाटा आपको दिख जाएगा। आगे मैं और भी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज लाने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट करो कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।